एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल #2212। फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल पर हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्थ केयर से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, यूजफुल हो सकती है। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को वॉच करें, और वीडियो पसंद आते हो तो उसको लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो पसंद नहीं आते तो आप इसको डिसलाइक कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो आपको बेल आइकन दिख रहा है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सबका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज दशहरा है। आप सब लोगों को मेरी तरफ से दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोगों ने पिछले दिन करवा चौथ स्पेशल एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसका आज हम लोग पार्ट टू देखेंगे, जिसमें हम एक स्पेशल सा फेस पैक और फेस स्क्रब बनाएंगे और उसको अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। इस फेस पैक से, इस फेस स्क्रब से जो पार्लर में होने वाले फेशियल होते हैं उनसे भी अच्छा जो ग्लो है वो हमको अपने फेस पर देखने को मिलेगा। यकीन ना आए तो प्लीज एक बार आप इस फेस स्क्रब को, इस फेस पैक को अपने घर पर बनाएं और उसको यूज करें, तब आपको फील होगा कि ये फेस पैक, जो फेस स्क्रब है, वाकई में अच्छा वर्क करता है आपके फेस पर। तो आइए बनाना शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि फेस स्क्रब बनाएंगे, और आपको जो ये फेस स्क्रब है वो आपको 3-3 दिन के गैप पर अपने फेस पर अप्लाई करना है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी जरूर करिए। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें 1 स्पून भर के ऑरेंज पील पाउडर को लेंगे, जिसे आप आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं या आप इसको ऑनलाइन परचेस भी कर सकते हैं। और जो ऑरेंज पील पाउडर होता है, ये विटामिन सी से भरपूर होता है, जो हमारे फेस पर डार्क स्पॉट्स होते हैं, पिंपल होते हैं, एक्ने होते हैं, जो डार्कनेस होती है, जो पिगमेंटेशन होते हैं, जो कालापन, वो सब दूर हो जाते हैं। ऑरेंज पील पाउडर होता है आपकी स्किन पर एक नेचुरल ब्लीचिंग का काम करता है। फिर हम इसमें 1 से 2 स्पून ताज़ा दही ऐड करेंगे, जो कि विंटर से के सीजन में हमारी स्किन को रूखा बेजान होने से बचाएगा, और साथ ही एक नेचुरल सी जो साइन होती है वो हमारे फेस पर ऐड करेगा। फिर इसके बाद हम इसमें एक विटामिन ई का जो कैप्सूल होता है उसका जो ऑयल इसमें ऐड कर देंगे, जो कि हमारे फेस पर एक पार्लर के फेशियल के जैसा जो ग्लो है उसको लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब सारी चीज़ों को हम बढ़िया तरीके से मिक्स करेंगे, और ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा जो फेस स्क्रब है वो बिल्कुल रेडी है। ये बिल्कुल नेचुरल है, पर ये पार्लर से के फेसियल से भी अच्छा जो वर्क है वो आपके फेस पर करने वाला है। और इस फेस स्क्रब को अब हम लोग अपने फेस पर अप्लाई करते हैं। तो इसको अप्लाई करने से पहले हमें सबसे पहले एक गर्म पानी में डिप करके एक हॉट टॉल लेनी है या हैंकी लेनी है, जो भी आपके पास हो उसको गर्म पानी में डिप कर लीजिए, उससे अपने फेस को अच्छी तरीके से क्लीन कर लीजिए। फिर तब आपको पूरे फेस पर इस फेस स्क्रब को अप्लाई करना है, और बिल्कुल हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन पर आप को अपने फेस की स्क्रबिंग करनी है। और स्क्रबिंग के दौरान आपको अपने नोज एरिया, अपने चिन एरिया को फोकस करते हुए बिल्कुल आराम से अच्छे से स्क्रबिंग करनी है, ताकि आप एरिया और चिन एरिया के अराउंड जो ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, वो भी साफ हो जाए और आपकी स्किन साफ, सुंदर और ग्लोई नजर आने लगे। 1 से 2 मिनट तक स्क्रबिंग करने के बाद आपको 10 मिनट तक जो ये स्क्रब है उसको अपने फेस पर ऐसे ही छोड़ देना है। फ्रेंड्स, मेरे फेस स्क्रब को 10 मिनट हो चुके हैं और ये हल्का सा ड्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं ये हल्का सा ड्राई हो गया है। अब हम इसको हाथ से ही रफ करेंगे तो ये आसानी से हमारे फेस से ये निकल जाएगा। और जो आपने हॉट टॉल ली थी, अभी हम लोगों ने इससे फेस को क्लीन किया था, उसी से इस फेस स्क्रब को अच्छी तरीके से वाइप कर लेना है। और स्क्रब को वाइप करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे फेस पर कितनी अच्छी साइन आई है। और जो ये स्क्रब है वाकई में बहुत बहुत अच्छा वर्क करता है, एकदम जो ग्लो होता है वो आपके फेस पर ऐड कर देता है, आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट, स्मूथ और सुपर ग्लोई हो जाती है। आइए अब हम लोग फेस पैक बनाते हैं, क्योंकि स्क्रब करने के बाद हमको अपने फेस पर फेस पैक लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हमारे पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, तो उनको मिनिमाइज़ करने के लिए हमको फेस पैक लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस फेस पैक को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले 1 स्पून भर के बीटरूट पाउडर लेंगे, और जो कि हमारे फेस पर पिंकिश ग्लो जो है उसको ऐड करेगा। फिर हम इसमें 1.5 स्पून ग्लिसरीन को ऐड करेंगे, जो विंटर के सीजन में आपकी स्किन पर कमाल की जो साइन होती है, ग्लो होती है, उसको ऐड कर देती है, और जो रूखी बेजान सी स्किन होती है उसमें एक जान डाल देती है। फिर हम इसमें 1 से 2 स्पून एलोवेरा जेल को ऐड करेंगे। आप यहाँ पर लीव वाला जो नेचुरल एलोवेरा जेल होता है उसको भी ले सकते हैं, और हम सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से
अच्छे से मिक्स करेंगे। और आपको जो ये फेस पैक है ये भी 3 दिन के गैप में जस्ट स्क्रबिंग के बाद आपको अपने फेस पर अप्लाई करना है। और ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा जो फेस पैक है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको अपने फेस पर अप्लाई करेंगे और ये बहुत सुंदर फेस पैक दिखाई दे रहा है। इस फेस पैक की आपको एक मोटी मोटी सी लेयर अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लेनी है और आपके फेस पर जहाँ भी डार्क स्पॉट्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है, वहाँ पर इस फेस पैक की डबल लेयर आपको वहाँ पर अप्लाई कर देनी है और इसको 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। और जब इसमें 15 से 20 मिनट के बाद आप देखेंगे कि हल्का सा ड्राई हो चुका होगा और आप देख सकते हैं कि मेरे फेस पैक को 15 मिनट हो चुके हैं और ये ड्राई भी हो चुका है। मैं इसको नॉर्मल वाटर से अपने फेस को क्लीन कर लूंगी और आप देख सकते हैं कि जो ये दोनों प्रोसेस करने के बाद मेरा फेस है वो एकदम शाइनी और ग्लोई हो गया है और बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। और अगर आप इसको 3-3 दिन के गैप पर अपने फेस पर अप्लाई करते रहते हैं तो ये मानिए विंटर के सीजन में आपकी स्किन पर कोई भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। ये इतना ज़्यादा हाइड्रेटेड है, इतना ज़्यादा नेचुरल है, बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो आपको देने वाला है। सो फ्रेंड्स आप एक बार ज़रूर इस फेस स्क्रब को, इस फेस पैक को बनाएं और इसको ट्राई करें और ट्राई करने के बाद जो आपके एक्सपीरियंस है, सजेशंस है, उनको हमारे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर शेयर करें। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके साथ ही अगर आप लोगों को लगता है कि मैं आपको बेनिफिशियल सी चीज़ें बताती हूँ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही जो बेल आइकन दिया गया उसको भी प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स मिलते हैं करवा चौथ स्पेशल सीरीज के पार्ट 3 में, तब तक के लिए ओके बाय, लव यू गाइस।